नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो आय्यारम नमो वज्रायारम नमो रोई सवसाहु आत्मान मनेकांतम साधमुक्तम मंगलम वंदे संदृष्ट सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जैतु शासनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्व समाधि तंत्र या समाधि शतक नाम का ग्रंथ है पूज्यपाद स्वामी का, करुणापूर्ण उपदेश है। जगत के जीव जो चाहते हैं वे ही आचार्य कह रहे हैं, उसी का उपाय क्या, जो हम चाहते हैं उसी की विधि आचार्य भगवान बताते। ऐसा कौन सा जीव है जो सुख न चाहता। जगत के सर्व जीव सुख चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं चाहता। पंडित जी ने लिखा, टूटरमल जी ने, अनेक अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं से कोई खास मतलब नहीं है, एक दुख न हो सुख हो बस। इसीलिए प्रयोजन और अप्रयोजन भूत ये भेद क्यों किया, प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत भेद क्यों किए कि भाई जो सुख जिससे सुख हो माने जिसके ज्ञान से सुख हो, जिसके श्रद्धान से सुख हो, जिसके आचरण से सुख हो, वह तो है प्रयोजन भूत। बाकी जिससे सुख का कोई संबंध नहीं वो है अप्रयोजन भूत। जैसी पहले भी चर्चा की थी, ये शरीर प्रयोजन भूत है कि अप्रयोजन भूत, बताओ भाई, शरीर प्रयोजन भूत है कि अप्रयोजन भूत। कि शरीर हमारा नहीं है, शरीर के कर्ता हम नहीं हैं, शरीर की अवस्थाएं हमें सुख दुख का कारण नहीं है, शरीर का रूप गोरा काला मोटा पतला ये हमारा रूप नहीं है, ऐसा जानना तो अप्रयोजन भूत है। और शरीर में कितनी हड्डियां हैं, दो चार कम जान ले तो क्या फर्क पड़ेगा, कितना इसमें एक तुम्हारे उसमें जीव विज्ञान में शरीर विज्ञान में ये सब पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इस वितराग विज्ञान के सापेक्ष से देखा जाए तो वे सब अप्रयोजन भूत। शरीर में कितनी कितनी धातुएं हैं, कितनी उपधातुएं हैं, किस प्रकार के उसमें की अवस्थाएं होती हैं, कैसे कैसे रोग होते हैं, किस रोग में क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, सारा ज्ञान है। ये मोक्ष मार्ग के लिए अप्रयोजन भूत, मोक्ष मार्ग के लिए अर्थात सुखी होने के लिए। और शरीर भिन्न है ये जानना प्रयोजन भूत है, शरीर प्रयोजन भूत नहीं। एक प्रश्न टोटरमल जी ने किया है कि महाराज आप कहते हो प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत, और प्रयोजन भूत में जीव अजीव आश्रम बंध संबंध जरा मुक्त, तो जीव अजीव में तो सब आ ही गया, अब अप्रयोजन भूत क्या बचा। जीव और अजीव के अलावा विश्व में क्या है, कुछ है प्रयोजन भूत, वो अप्रयोजन भूत कुछ बचा है जीव और अजीव। भैया जीव और अजीव सामान्य से तो तुमने कहा, लेकिन इस जीव अजीव के विशेष बहुत है, अनंत गुण अनंत पर्याय, कितने भेद प्रभेद, उन सबको जाने न जाने वो कोई बात नहीं। जिनसे सुख दुख का संबंध है
ऐसे विशेषों को सहित जानना वो तो है प्रयोजनभूत, और अगर उनको नहीं जाना बाद बाकी बहुत जानना स्व प्रयोजनभूत। इस हॉल में कितना सीमेंट लगा है, कितना सरिया लगा है, कितनी गिट्टी लगी है, कितना पैसा लगा है, बोलो भाई, हमें नहीं मालूम, कोई बात नहीं, अप्रयोजन भूत है। लेकिन ये हॉल स्वाध्याय के लिए है, यहाँ बैठ करके रोज स्वाध्याय करो, ये हमारी विश्राम स्थली है। घर पर थकते हो, यहाँ विश्राम करो। घर पर उलझने आती हैं, यहाँ समाधान करो। घर उलझने के स्थान है, व्यापार उलझने के स्थान है, ये संसार के मार्केट जितने भी हैं वो सब उलझने के स्थान है, ये सुलझने का स्थान है। वे पाप आयतन है, ये धर्म आयतन, ये जानना प्रयोजन है। यहां भी आकर के अपनी खटिया खा करके पंखा चला करके सो जाओ, दोपहर में बढ़िया थक गए दुकान से, यहाँ आ गए और यहाँ आकर के अपने सो गए, यहाँ अपने पानी रख लिए तो पानी पी लिया, अपने 3-4 बजे जब ठंडक हो गई तो अपने चले गए, ये नहीं है, इसके लिए नहीं है। ये हमने बनाया कि तुमने बनाया, क्या बना, ये सब अप्रयोजन भूत है। लेकिन ये समझना प्रयोजन भूत है, ये किस लिए बनाया, ये स्वाध्यायतन, ये धर्मायतन है, ये आत्मा को समझने के स्थान है। यहाँ बैठ करके आत्मा को समझो, देह को भिन्न समझो। प्रयोजन भूत क्या समझ गया कि भैया जीव और अजीव में तो सब आ गए, प्रयोजन भूत क्या, प्रयोजन भूत इसका क्या नाम है, ये कहाँ रहता है, क्या करता है, ये सब अप्रयोजन भूत है। ये हमारा साधर्मी है, ये हमारा साधर्मी है, इसके साथ धर्म की चर्चा करो, इससे प्रेरणा लो, इसको प्रेरणा दो, इसके प्रति वात्सल्य भाव, ये प्रयोजन भूत व्यवहार में आए परमार्थ से। इससे ये हमसे न्यारा है, हमारा कर्ता धरता नहीं है, इसके कारण परिणाम बिगड़ते हैं, इसके कारण परिणाम सुधरते हैं, ये सब कल्पना तुम्हारी छोटी है, तुम्हारे अज्ञान से तुम्हारी कल्पना परिणाम बिगड़ते हैं, ज्ञान अभ्यास से तुम्हारे परिणाम सुधरेंगे, ये मान्यता सच्ची है। पर को पर जानना प्रयोजन भूत है, फर्क है उससे कोई मतलब नहीं। को जिन्हें भाषा नहीं आती, शास्त्र तो पकड़ ही नहीं सकते बिचारे, चित्रों में पकड़ करके बैठा दो वो अलग बात है, वो तो एक हाँ कि हाथी अपने शास्त्र पकड़े हुए है, पुस्तक पकड़े हुए है, वो तो समझाने की बातें हैं, कलाकार की कलाकृति है, वो प्रतीक है, रूपक है, बात बाकी शास्त्र पकड़ने का मतलब नहीं है। वो है हाथी शास्त्र पकड़ा, हाथी ने शास्त्र पकड़ा, शेर ने शास्त्र पकड़ा, नहीं शास्त्र नहीं पकड़ा, शास्त्र पकड़ने का मतलब शास्त्र नहीं पकड़ा, शास्त्र कैसे पकड़ेगा, शास्त्र का अभिप्राय पकड़ा, हाथी का कल्याण शास्त्र पकड़ने से नहीं हुआ, हाथी का कल्याण शास्त्र का अभिप्राय पकड़ने से। गुरुजनों के केवल चरण मत पकड़ो, चरण तो पकड़ने ही है, पावन चरण पकड़ लो रे, सब मिल दर्शन, वो तो व्यवहार नहीं का विषय है, लेकिन चरण नहीं, उनका अभिप्राय पकड़ो, उनका आचरण पकड़ो, उनका मार्ग पकड़ो। अध्यात्म से कहें तो क्या कहेंगे, उनके द्वारा बताया हुआ निःशुद्धात्मा पकड़ो, गुरुजन को पकड़ लिया, चरण पकड़ लिए उन्होंने, प्रभु के चरण छोड़ कित जाऊं, तो पकड़े रहो, विमुख चले जाएंगे चरण तो यहीं रह जाएंगे, तुम यहीं रह जाओ। सोचो जब भगवान मोक्ष जाएंगे, तुम चरण पकड़े भी होगे तो चरण तो यहीं रह जाएंगे ना, तो तुम यहीं रह जाओगे तो पकड़े रहो। चरण पकड़ने का मतलब यह है
उनका अभिप्राय पकड़ो, उनका हृदय पकड़ो, शब्द मत पकड़ो, केवल अभिप्राय पकड़ो। अभिप्राय क्या है? पांडे राजमल जी ने तो कई जगह से अभिप्राय भावार्थ से सोचा, शब्दार्थ बाद में लिखते रहेंगे, भावार्थ ही है। भाव नहीं पकड़ा, अभिप्राय नहीं पकड़ा तो क्या मतलब होगा? आचरण नहीं पकड़ा, त्यागियों के चरण पकड़ पढ़ने से घर पवित्र होते हैं। अरे चरण ये शरीर के चरण मात्र नहीं, वो तो उपचार का कथन है। उनका उनके द्वारा बताया हुआ एक नियम जीवन में आ जाए तो घर बदल जाए। गांव में एक घर था तो कोई मंदिर नहीं आए, कोई आ जाए अपने रूढ़ी से दर्शन कर जाए। कोई साधन ने प्रेरणा की, भैया मंदिर आया करो, नेका स्वाध्याय में बैठा करो, कक्षा में बैठा करो। एक दो आ गई, एक बहू आने लगी, एक बुआ आने लगी, तो जब दो चार बातें सुनी तो वे तीन तीन चूल्हे अपने धरे, तीन तीन सौ बिस्ती वासु सूचा में एक दूसरे के लग गए। और बोले हमारा तो घर पर बदल गया पूरा, तो घर कैसे बदल गया? अभिप्राय को समझने, हमारा जीवन तब बदलेगा जब हम अभिप्राय को समझेंगे। अभिप्राय नहीं समझेंगे तो नहीं। ये कलिकाल का दोष है, सवेरे कहा था ना, ये कलिकाल का दोष, पंचम काल का। क्या कहा था भैया? क्या? हाँ, यहाँ भोग सुविधाएं आजीविकाएं हैं, वहां धर्म साधन नहीं है, और जहां धर्म साधन है वहां भोग आजीविका। ऐसे ही अभी शाम को जो हमने अभी बात बोला वो भी कलिकाल का दोष है। सज्जन निष्क्रिय हैं और जो थोड़े से सक्रिय हैं उनका अभिप्राय होता है। अब कहां जाओगे, क्या करोगे? और ये तो नीति कहती है सज्जनों की निष्क्रियता ज्यादा खतरनाक है। अरे कुछ करते तो हैं, चलो तुम अपने मान शान के कारण करो, करते रहो, जीव बैठे सुनेंगे पढ़ेंगे समझेंगे पूजा में लगेंगे स्वाध्याय। हम तो कर ही नहीं रहे, सब बैठे सुने क्या करेंगे? चलो मान से दान दे रहे, बन तो रहे धर्माय, हम तो दे ही नहीं रहे। सज्जनों की निष्क्रियता बहुत खतरनाक है, दुर्जनों की सक्रियता इतनी खतरनाक नहीं है जितनी सज्जनों की निष्क्रियता। विचार ना, ये कलिकाल का दोष है, लेकिन इसी कलिकाल में अपना कल्याण करना है। क्या करें, कैसे करें, बताओ भाई? सक्रियता को ग्रहण करो, दुष्टता को ग्रहण मत करो, खोटा अभिप्राय मत ग्रहण करो, सज्जनता को ग्रहण करो, उसको निष्क्रियता को ग्रहण करो। गुण ग्रहण का भाव रहे नित्रष्ट दोषों पर याद। समाधि ततक तो 105 काव्य हैं, लेकिन मुख्य रूप से 100 कह करके ततक कह दिया, समाधि ततक। जैसे 6 डाला है, 6 प्रकार के छंदों में, 6 प्रकार के अध्यायों में जीव के सुखी होने का उपाय दर्शाया। ऐसी समाधि शतक भी क्या है, 105 छंदों में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि का उपाय बताया। समाधि माने सुख शांति से रहने का उपाय। समाधि मरण अलग है, समाधि अलग है, ध्यान रखना। शांत परिणामों को कथाय रहित परिणामों को समाधि कहते हैं, और शांत परिणामों सहित देह छूटने का नाम समाधि मरण। समाधि अभी भी चाहिए अपने, समाधि आदि व्याधि उपाधि से रहित जिनका जीवन है समाधि। समाधि में जीवन हो तो समाधि में मरण हो। जब समाधि जीवन में तमाम उपाधियां लगी हैं तो समाधि मरण की कल्पना होती है।
काकताली न्याय बस उसी समय आकर के ऐसे बैठ गया, अंधे के हाथ बटेर लगना, ऐसे किसी को कोई अंतिम समय में उपदेश मिल गया और अपना कल्याण कर लिया, वो बात अलग है, राजमार्ग नहीं। समाधि मरण के लिए जीवन में समाधि चाहिए। जीवन में समाधि नहीं होगी तो समाधि मरण कौन कराएगा? देह को अपना मानने वाले जीव को, विषयों में सुख मानने वाले जीव को, पर का कर्ता मानने वाले जीव को एक क्षण भी समाधि अर्थात शांतता नहीं होती, कभी शांतता नहीं। देह से भिन्न, इस मिथ्या कर्तत्व से भिन्न ज्ञाता स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव करने वाले जीव को सदा समाधि, प्रतिकूलताओं में भी समाधि, शांति। समाधि माने शांति। क्या शब्द पढ़ा है समाधि मरण में? समाधि नाम शांत परिणामों का है, कषाय रहित परिणामों का है। तो जब कषाय रहित कहा तो मोह रहित तो पहले आ गया। क्यों? कषायों को उपादेय मानने वाले जीव को कषाय मंद भी नहीं होती। कषायों में सुख मानने वाले जीव को, कषायों की पूर्ति में सुख मानने वाले जीव को कषाय मंद भी नहीं होती। उसकी कषायों की मंदता भी ऐसी समझो जैसे पानी बरसने पर मिट्टी थोड़ी सी नरम गीली हो गई, जरा सी धूप पड़ी तो फिर कर। यहाँ बैठे सुने पड़े पूजा भक्ति तो थोड़ी सी मंदता आ गई और यहाँ से उठी तो फिर अथवा तो अनुकूलता में थोड़ी सी मंदता है और किसी ने जरा सा यहाँ भी कुछ कह दिया तो अभ्यास कथा ठीक हो गई। धर्मायतनों में भी आपने देखा कसायों की तीव्रता होते देर नहीं लगती। क्यों? भेद विज्ञान तो है नहीं, तत्व ज्ञान का अभ्यास है नहीं, कसाय मंद करे कौन? बाद भी सूर्य ने लिखा कौन सा ग्रंथ है भैया? बाद भी सूर्य का छत्र चूड़ामणि, छत्र चूड़ा सत्येंद्र राजा के पुत्र जीवंधर राज की कथा है उसमें। और कथा नहीं कही केवल, कथा के माध्यम से नीति कही। नीति माने जो हमें सुख की ओर ले जाए, जो दुख से बचावे, सत्मार्ग की ओर ले जाए तो नीति है और खोटे मार्ग को ले जाए तो अनीति है कुमार। तो बाद भी सूर्य ने क्या कहा? तत्व ज्ञान तिरोभावे रागाधिक निरंकुशा। समझ में आ गया होगा? तत्व ज्ञान तिरोभावे रागाधिक निरंकुशा। तत्व ज्ञान के अभाव में तिरोभाव कहा, अभाव ही समझो वर्तमान में। तत्व ज्ञान का छिप जाने पर रागाधिक निरंकुश हो जाते। इन कथाओं पर अंकुश लगाने वाला ये तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान के बिना कोई नहीं रोक पाएगा। तत्व ज्ञान का अभ्यास आपको होगा और कोई प्रतिकूलता हुई या अनुकूलता हुई कथा आ भी जाएगी तो आप अपने आप रुक जाओगे। और तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो हम रोकेंगे तो अभी नहीं रुकोगे। गुरुजनों तक को नहीं गिनता, सच कहते हैं। देखो साहब, आप नहीं, हमें निबट लेंगे। किससे निबटोगे? कैसे निबटोगे भैया? हम निबटने का ही उपाय बता रहे। एक भाई आए स्वाध्याय के लिए, दो दिन रुके, बोले अब हम निकल रहे। हमने मुश्किल से तो निकल के आ रहे। निकल काय को रहे हो? घुस रहे हो? निकल रहे, निकल कहां रहे हो?
वरांग चरित्र में लिखा, मुश्किल से हम निकल करके आ रहे संसार समुद्र के किनारे पर, हैं दोबारा संसार समुद्र में पटक करके शत्रु का काम मत करना हे पिताजी, निगो से लेकर के कहां तक हम कैसे आ पाए, और मुश्किल से हमें आत्महत्या का भाव हुआ, दीक्षा का भाव हुआ है, रोकने का भाव रोक करके हमें शत्रु का काम मत करना, मुश्किल से निकल के आ पाए। वो कहते भी आप लोग भी कहते हैं बड़ी मुश्किल से निकल के आ पाए, यानी कब से सोच रहे कि चलने हैं सुनने हैं समझने हैं, लेकिन क्या करें निकलते ही नहीं, कभी कोई उलझन कभी कोई उलझन, मुश्किल से निकल के आ पाए। और अब क्या कह रहे अब निकल रहे बता, मोह की दशा देखो, फंसने को निकलना कैसे, नाली का कीड़ा निकल करके बाहर आया और फिर जाने लगा तो क्या निकल रहा, निकलना है ऐसे, जहां से हम निकल करके आ रहे वहीं फिर जा रहे तो निकलना क्या, घर से आकर के यहां पूजा में स्वाध्याय में आए, अब निकलना तो ये है पूजा स्वाध्याय से ऊपर आ जाओ आती है, दोपहर में चर्चा करें नियत का और आत्म ध्यान का क्या, कि भैया जब तक नियत का या भवितव्य का या क्रमबद्ध का यथार्थ ध्यान नहीं होता तब तक कर्तत्व बना रहता है, पर द्रव्यों में सुख की कल्पना बनी जाती है, बैठते हैं धर्म ध्यान के लिए और होता आर्थ ध्यान, जाने कब होने लगता पता नहीं पड़ता, मिथ्यास की भूमिका में दुख के बीज बिना बोए अंकुरित होते, न चाहने पर भी विकल्प आते हैं, यानी कहां चला बैठे ने गिरमाला पहने और विकल्प चला गया घर पर, गर्मी में गर्मी बहुत है मच्छर बहुत है, विकल्प कहां चला गया, शरीर में एकत्व बुद्धि होने के कारण कहां जाना चाह रहे और कहां पहुंचा, जैसे कोई मदहोश हुआ चला चला जा रहा हो, जाना चाहता है वहीं और एक्सीडेंट हुआ पहुंचा कहां, ऐसे ही हमारी इस मिथ्यास की दशा में ये दशा होती है, जाना सोचते हैं धर्म ध्यान करना और धर्म ध्यान का स्वरूप न मानने से, भवितव्य का विचार सिद्धांत न होने से, क्रमबद्ध का सिद्धांत न होने से, वही शरीर के कर्तव्य ऊपर व्यापार के कर्तव्य बाल बच्चों के कर्तव्य समाज के कर्तव्य वही उलट जाता वही माने नियति के सिद्धांत बिना या क्रमबद्ध के सिद्धांत बिना आत्म ध्यान का पात्र भी नहीं होता, जो होना उसे हो जाए हम तो जी सके ऐसे जा पाते। एक राजा का दृष्टांत है, अब जाने क्या दृष्टांत है ज्यादा मालूम नहीं, वो जाकर के चले गए तो एक बाहर सा था उस पर बैठ गए ध्यान करने के लिए, कोई होगा भाई ढूंढते ढूंढते घर वाले भी पहुंच गए, इसकी बोली क्यों यहाँ काय को कैसे बैठे हो क्या कर रहे हो, तो उसने एक दो लाइनें सुनाई, तुम्हारे सिर पर भार, तुम्हारे सिर पर भार कैसे निकल आए, भार है तुम्हारे ऊपर, तो बच्चा को क्या होगा, लड़की को क्या होगा, उनको क्या होगा, बूढ़े माता पिता का क्या होगा, जो था कैसे निकले, तो क्या उत्तर दिया, जिनके सिर पर भार ते डूबे मैं धार में, हम तो उतरे पार झोंक भार को भार, वो भार नहीं झोंक भार को भार में का क्या अर्थ हुआ, कर्तत्व को कर्तत्व स्वयं ज्ञातत्व में आ गए, माने पर वस्तु का कर्ता पर वस्तु है, इनका क्या होगा, हम क्या सर्वज्ञ हैं, लौकिक दृष्टि से देखें तो हम क्या सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ से पूछो क्या होगा और इनका क्या होगा, बताएं क्या होगा, आत्मा आत्मा रहेगा, शरीर अध्रुव है वो छूटेगा,
पुण्य पाप के अनुसार संयोग मिलेंगे। इनका भवितव्य के अनुसार ही तो परिणमन होगा कि नहीं होगा बता। इनमें इनकी अतिक्रिया होगी, हम क्या करेंगे ये बता। भार को भार में माने, पर को पर में सान। हम तो उतरे पार, झोंक भार को भार मान। भार को भार में मतलब क्या है? कर्तृत्व के समान भार नहीं है। भार माने बोझा, भार माने बोझा। कर्तृत्व के समान कोई बोझा नहीं है, भार नहीं, दबा है। अब वो आत्मज्ञान कैसे करेगा? ए चिंता मत करो। अब महाराज चिंता करते थोड़े ही है, वो तो होते है चिंता। अब क्या करें? 30 वर्ष की लड़की होगी, अब बता क्या करें? अब देख रहे हैं 3 साल हो गए, हैरान हैरान हो। अब आप बताओ क्या करें? आत्मा की आराधना करो, संयम में लगो। 30 वर्ष का खराब कर रहे? हम बताएं तो करोगे? अरे महाराज आपको आपकी बात अलग है। अरे फिर ये बातें करने लगे भैया। जिसका जहां जो परिणमन है उसको उसके भरोसे छोड़ करके ही आप अपने कल्याण मार्ग में लग सकते हैं। सवेरे कहा था ना, मती व्यवस्थित हुए बिना व्यवस्थाएं अधूरी ही रहेंगी, अधूरी रहेंगी। जिंदगी में पूरी नहीं कर पाओगे, 10 जिंदगी में पूरी नहीं कर पाओगे। एक ही व्यवस्था है, जो कुछ जहां वहीं रहने दे, केवल दृष्टि मोड़ ले। जो खुद जहां वहीं रहने दे, केवल दृष्टि मोड़ ले। एक ही व्यवस्था है सुखी होने की। जितने भी जीव सुखी हुए हैं, इन्हें सुधार के, इन्हें बदल के, इन्हें करके, इन्हें घटा के, इन्हें मिला करके नहीं, नहीं। जितने भी जीव सुखी हुए हैं, वे पर और स्व का भेद ज्ञान करके सुखी हुए हैं, पर से विरक्त होकर सुखी हुए हैं, अपने स्वरूप की आराधना के द्वारा। तो जैसे 6 ढालों में कर्मों के प्रहार से बचने के लिए ढाल के समान ये जिलोक देश दिया 6 ढाला में, ऐसे 105 छंदों में समाधि का उपाय बताया। बड़ी मर्म की बात। और कोई ज्यादा नई विविधता नहीं, कोई ज्यादा कठिनाई नहीं, बिल्कुल सरल भाषा में, सहज भाषा में कहा। हे भैया, देह को जब तक अपना मानते रहोगे तुम्हें कभी सुखी नहीं होगा, कभी शांति नहीं मिलेगी। देह को अपना मानने वाले जीव को मंदिर में भी शांति नहीं, जंगल में भी शांति नहीं, स्वर्ग में भी नहीं, भोग भूमि में भी नहीं, अनुकूलताओं में भी नहीं, पुण्य के उदय में भी नहीं। देह को अपना मानने वाले जीव को कहीं शांति नहीं। क्यों? देह में शांति है ही नहीं। देह में शांति नहीं है तो देह को अपना मानने से शांति कैसे मिलेगी? आत्मा शांत स्वरूप है, शांतिमय है, तो आत्मा को अपना मानो तो शांति मिले। थोड़े पड़े हो चाहे ज्यादा पड़े हो, पैसा थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, चाहे बालक हो चाहे बूढ़ा हो, चाहे रोगी हो चाहे निरोगी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे क्रियंश हो चाहे मनुष्य हो, जो भी हो भैया, देह से भिन्न आत्मा समझने वाला जीव शांत हो जाए। आप पढ़ते हो, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, क्या छो स्वातम रस। कब शांत हुआ, कैसे शांत हुआ? इन भगवंतों को अपने स्वरूप की आराधना पूर्वक शांत दशा को प्राप्त हुए देखकर पंडित टूटोमल जी ने कैसे लिखा, परम शांत रस रूप परिणमित हुए।
परम शांत रस रूप परिणमित हुए हैं। कैसे? मोहादिक भावों को छोड़कर अपने को ज्ञान स्वरूप ज्ञायक स्वरूप अनुभवते हुए भाते हुए और स्वरूप में ही मग्न रहते हुए परम शांत रस होकर अपने स्वरूप को भूल करके कैसे शांतता मिलेगी? कैसे मिलेगी बताओ? अगर शांतता बाहर हो तुम्हारी तो मिल जाए, लेकिन जब बाहर तुम्हारी शांतता है नहीं, पर द्रव्यों में तुम्हारी शांत या सुख नाम का कोई गुण नहीं है, कैसे मिलेगी? देह को अपना मानने वाला बहिरात्मा देह से भिन्न अपने को आत्मा समझने वाला अंतरात्मा और आत्मस्वरूप को भाते भाते स्वरूप में मग्न हो जाने वाले परमात्मा। अब आप देख लो बहिरात्मता है अंतरात्मा उपाय और परमात्मा उपे साध्य। समाधि का उपाय कैसे बताया? सवेरे एक लाइन थोड़ी सी कही गई, केवल कैवल्य सुख प्रहाण। केवल अर्थात केवल ज्ञानी जैसे अनंत अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए मैं आचार्य पुष्पा स्वामी ने क्या प्रतिज्ञा की? सुख के लिए सुख को नहीं बताया, सुख के लिए आत्मा को बताया। सुख के लिए आत्मा को बताया। प्यास लगी है भैया? प्यास लगी है? वो कुआ है, वो प्याऊ है। हमने प्यास लगी वो कहा है? तुम कुआ प्याऊ काल को बता रहे? समझ गए? समझ गए शैली? भूख लगी है भैया? वो भोजनालय सुखी होना है क्या? सुखी होने के लिए आत्मा को बताने, मैं उस सुख की प्राप्ति के लिए आत्मा को कहूंगा। कुंदकुन स्वामी ने भी यही कहा, दर्शाऊं एक विभक्त को, मैं भी एकत्र विभक्त आत्मा को कहूंगा। पूज्यपाद स्वामी भी कहते हैं शुद्ध आत्मा को कहूंगा। तो समाधि शतक माने 100 छंदों में या 105 छंदों में शांतता का उपदेश दिया। आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा की आराधना से ही शांत स्वरूप हुआ जाता है। प्रवचन सार जी में चरणान योग चूलिका है, है? उत्थानिका में अमृतचंद स्वामी ने एक काव्य लिखा है द्रव्य से सिद्ध, द्रव्यानुसार चरण मुक्ति से आ गया ना। हाँ, हिंदी क्या है? द्रव्य की सिद्धि में चरण की सिद्धि है, चरण की सिद्धि में द्रव्य की सिद्धि है। इसलिए ऐसा जानकर क्या करना? ऐसा जानकर क्या करना? द्रव्याविरुद्धम चरणम चरन्तु। इस द्रव्याविरुद्धम चरणम चरन्तु, आप आचरण तो करते हो लेकिन स्वभाव के अनुकूल आचरण नहीं करते। बोलते तो हो आगम के अनुकूल बोलो, स्वानुभव से बोलो, आत्मा के वस्तु स्वभाव के अनुकूल बोलो। 24 घंटे में आप कितने बोलते हो बता? 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बातें करते हो, घर में गृहस्थी में व्यापार में बोलते हो, कितना बोलते हो? कितना आगम के अनुकूल बोलते हो? कितना प्रतिकूल बोलते हो?
जितना आगम के अनुकूल सोचोगे, जितना आगम के अनुकूल बोलोगे, जितना आगम के अनुकूल चलोगे, ये व्यवहार न्याय का कथन है, उतनी ही शांति होगी। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, और जितना नमक पड़ेगा उतना खारा पड़ा आएगा कि नहीं आएगा, जितनी मिर्ची होगी उतना तीखापन आएगा। रोकोगे आप, रोकोगे हम रोकेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। जितना स्वभाव की ओर परिणाम होगा, स्वसन्मुख परिणाम, वह सुख का कारण। भरतचंद्र सार जी ने यह विषय बढ़िया सुंदर लिखा, अनन्य गत परिणाम समय। बोलो भूल गए क्या? हाँ, कर्म छह हेतु, कर्म छह हेतु का दुख छह हेतु, अनन्यगत परिणाम अनन्य। अनन्य तो जानते होगे, अनन्य माने अन्य नहीं, तो अन्य नहीं तो कौन, किससे अन्य नहीं, अपने से अन्य नहीं। अनन्य का मतलब क्या है? अन्य नहीं, जैसे अभी पढ़ रहे थे ज्ञानाशक, बहु, बहु माने क्या है? बहुवचन है ना, तो कम से कम दो, अधिक से अधिक अनंत, अनंत शक्ति। बहु शक्ति का मतलब दो चार दस नहीं, अनंत शक्ति। अनेकांत आत्मक का क्या अर्थ? अनेक धर्मात्मक वस्तु, तो अनेक माने न एकम अनेकम, एक नहीं दो, कम से कम दो होगा, अधिक से अधिक समय, तो परस्पर विरोधी अर्थात लक्षण भेद के विरोधी भाषित होने वाले धर्म वो दो होंगे, सत असत एक अनेक, और गुणात्मक दृष्टि से देखो तो अनंत होंगे, अनंत। अनंत सुख चाहिए तो अनंत पुरुषार्थ चाहिए, अनंत सुख चाहिए तो अनंत पुरुषार्थ भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुख अनंत से मिले और ज्ञान अनंत ना हो, अनंत सुख के साथ ज्ञान अनंत है, दर्शन अनंत है, और क्या अनंत है? अरे घाती कर्म की अपेक्षा वीर, वीर तो हो गया, हाँ वीर हो गया, और उसमें आया नहीं है, लेकिन समझना क्या है बोलो, भले नहीं आया हो, समता अनंत है, चार वितरकता अनंत है। शांत बनी रहे, शांत बनी रहे, दस बातें सुनते रहे, और ग्यारहवीं बात उत्तेजित हो गए, ये नहीं है अनंत क्षमता। उस दिन चर्चा की थी, देखो भैया पांच इंद्री के विषयों में हाथी और मछली और घोड़ा और पतंगा और हिरण का दृष्टांत देख करके कहते, देखो एक एक इंद्री के विषय में मर गए, मर गए होंगे, हमें क्या लेना देना उसे, हमें तो ये समझना अनंत बार हम भी मरे हैं ऐसे, हमें किस शैली में इसको समझना है। अगर तुम्हें हाथी की तरह बलवान होकर के भी बंधन में न पड़ना हो, अंकुश की मार नहीं सहना हो, तो भैया सावधान, दूसरों को देख कर चेत जाओ, अंधे की तरह उस गड्ढे में न गिरना हो तो अंधे की तरह मत चलो, यही तो कह रहे हैं। मतलब उस हाथी की तरह चेष्टा मत करो। हाथी की बंधन के कारण क्या है? प्रभुचंद सार जी ने तीन दिए, वहां तो एक इंद्री के विषय का प्रसंग आ गया। मस्तानी चाल से अपने धुन में चला चला जा रहा है, ये नहीं देख रहा ये गड्ढा पर घास लिखी है कि ठोस जमीन, बड़ा गड्ढा कर दिया ना, ऊपर घास फूस डाल दी और ऊपर मट्टी डाल दिया, वो अपने आराम से ठोस समझ कर झूमता हुआ चला जा रहा। अगर तुम्हें हाथी की तरह उस गड्ढी में गिर करके भूखे नहीं तड़पना है, अपने ऊपर सवारी नहीं करना नहीं है, अंकुश का बार नहीं सहना है, तो भैया समझो उस पोल को ठोस मत समझो, पर को अपना मत समझो,
दुख को सुख मत समझो, अध्रुव को ध्रुव मत समझो, अशरण को शरण मत समझो। ये बाल बच्चे हमारे काम आएंगे, पैसा काम आएगा, मान्यताएं छोड़ दो, मर जाओगे भाई। सच्ची बात, एक और काम नहीं आएगा। गांठ का पैसा काम आएगा, गांठ कहां है? ला तो भैया गांठ, तुम्हारी गांठ दिखाना, कहां है गांठ? जब गांठ ही नहीं, गांठ दो को एक जोड़ने वाली गांठ होती है। अब जब द्वैत नहीं है, एकत्र विभक्त है, गांठ है ही नहीं, तो बताओ कायम गांठ का पैसा काम आएगा? अरे गांठ का पैसा काम आएगा इसका अर्थ ये है, स्वाश्रित ज्ञान काम आएगा, आत्मज्ञान काम आएगा। देखो मोह की महिमा, जो काम आएगा उसके लिए तो उदासीन, निष्क्रिय, उपेक्षा, अनादर, समय नहीं है, बुद्धि नहीं है, शक्ति नहीं है, और ये सब कहीं काम नहीं आएंगे, जिनके पीछे सब बुद्धि है, खूब दिमाग चल रहा है, व्यापार कैसे बढ़े? अरे भले आदमी बीत रास्ता कैसे बढ़े इस बात को सोचो, विशुद्धि कैसे बढ़े ये सोचो। इसका वॉल्यूम बढ़ा लो, अरे अपना वॉल्यूम बढ़ा लो, अपना वॉल्यूम बढ़ा भैया। अमृतचंद स्वामी जैसे समर्थ आचार्य क्या कह रहे, मम परम विशुद्धि भवतु। और तुम्हें होश ही नहीं है कुछ, हमारी विशुद्धि कैसे बढ़े? ये विशुद्धि प्राप्त करने के, विशुद्धि बढ़ाने के स्थान है। हाथी की तरह अगर तड़पना न हो भैया, तो ध्यान रखना कभी अध्रुव को ध्रुव मत मान बैठना, ये अध्रुव है। प्रवचन सार जी ने क्या विषय दिया है बता दो भाई। जी नहीं, शुद्ध आत्मा ही ध्रुवत्व के कारण उपलब्धमान है, दूसरा कुछ भी उपलब्ध कर। हमने तो ऐसी संस्कारों की बातें सुनी है कि उस श्रावक किसान, किसान होकर के श्रावक है, श्रावक के व्रत अभी लिए उसने, माने सामान्य श्रावक, पानी छान करके काम में देता, रात में भोजन नहीं करता है, भगवान के दर्शन नहीं करता, अपनी उपासना लगाता, किसी को सताता नहीं है, स्थूल पाप नहीं करता, अन्याय नहीं करता, ये श्रावक के लक्षण है। बैल भी उसके ऐसे हो गए संस्कार से, खेत से काम करके आएंगे, अब तो बैलों का जमाना ही खत्म, बड़ी क्रूरता छाई, दया दया का नाटक करते हो, पालना तो सीखो इनको, तो उनकी जमीने कब्जा में कर लें, अपनी खेती कर लें, वे फिर रहे हैं तुम्हारे खेत से आए तो उन्हें भगाओ, उनसे भगाए और छोड़ दे, अब बेचारे ले जा मुफत में, क्या होगा? काम भी लेते थे, उनको पालन भी करते थे, ये तो एक व्यवस्था थी। अब बेकाम कर दिए और जाओ छुट्टी, बड़ा बुरी संस्कृति। जैसे तड़फा तड़फा करके दुखी कर रहे हो, वैसे ही तड़फ तड़फ करके आदमी भी दुखी हो रहा है, देख लो आप। कैसी छल छल देखो, मत्स्य पालन, पालन के मारन, मारवे के लिए पाल रहे, पाल रहे, पालो तो हम तुम्हारे संग हो, मुर्गी पालन पाल रहे हो, तुम प्राण ले रहे हो, लो आगने शब्द हो गए विज्ञापन, शब्द बदल करके। भैया शब्दों का बदलना ये पुद्गल परावर्तन है, मुख्य मार्ग नहीं है, अहिंसा नहीं है, अभिप्राय बदलना ये मुख्य मार्ग, और बदलना माने सम्यक होना। शब्द तो कोई न बोल नहीं पाए तो नहीं बोल पाए,
इसी समाधि तंत्र में दूसरे छंद पहले छंद में सिद्ध भगवान को स्मरण किया, सिद्धत्व हमारा साथ। दूसरे छंद में उपकार की प्रधानता से अनंत परमेश्वर को स्मरण किया, सशरीर अशरीर है ना, अनंत परमेश्वर को स्मरण किया। तो किस भाषा में स्मरण इस श्लोक का आप कहना, हमें तो भाव आता है। बिना बोले और बिना चाहे जिनकी ये तीर्थ प्रवर्तन हो रही है, बिना बोले बिना चाहे, यानी कितने दिन हो गए विचार के हमने देखो क्या लिखा। बिना बोले और बिना इच्छा के, बिना इच्छा के और बिना बोले तीर्थ धर्म तीर्थ का प्रवर्तन तीर्थंकरों के द्वारा होता है। सर्वांग से खिरने वाली भव्यों के भाग से और वचन योग से दिव्य ध्वनि खिली ना, खिरने वाली दिव्य ध्वनि से धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है। धर्म प्रभावना के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। बिना बोले और बिना इच्छा के तो होता है, लेकिन बिना समझे होता है कभी? बोलो आप, समझो समझो भाई। इसी ग्रंथ में ऐसे अद्भुत अद्भुत कथन है, आप स्वाध्याय करो। हम तो प्रेरणा कर रहे हैं, हम क्या स्वाध्याय करा, प्रेरणा कर रहे हैं। मंदिर में विराजमान है या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, अरे ज्ञान चावल चढ़ावे से लोकालोक नहीं सूझेगा, स्वाध्याय से काम करेगा, स्वाध्याय से काम। भैया पहले भी कह चुका, आज फिर कह रहे हैं, स्वाध्याय के बिना तुम्हारी दर्शन पूजन अधूरी है। इस तरह की भीड़ता है कि जो अपने कहे जाता है और दूसरे की नहीं सुनता, कैसी भक्ति है। अपने कहे चले आ रहे हैं और दूसरे की सुने ही नहीं है, सुनने के लिए बहरे हो गए, कहने के लिए बाचाल हो गए। कभी किसी डॉक्टर के पास जाकर के भी ये व्यवहार करके देखो, अपने कहते जाना, डॉक्टर का सो मत सुनना। अगर निरोग हो जा तो आप हमें बता देना। अरे अपनी नहीं भी कहोगे तो आपका रोग डॉक्टर के ज्ञान में है, अपनी नहीं भी कहोगे तो भी इलाज हो सकता है। क्यों भाई, अपने रोग को न कहने वाले का भी इलाज होता है, बालक का होता है कि नहीं, बोलो। आवाज रुक जाती है, बोल नहीं पाता, उसका इलाज होता है कि नहीं। लेकिन डॉक्टर की न सुनने और समझने वाले का इलाज नहीं कर पाएगा। ये मंदिर, ये जिन प्रतिमाएं मात्र देखने के लिए नहीं, सीखने समझने के लिए, और कुछ सीखने समझने के लिए नहीं है, आत्मा सीखने समझने के लिए, हित अहित को सीखने समझने के लिए। यहां आकर के भी हित अहित को नहीं समझा तो भैया कहां जाओगे, कहीं शरण नहीं। पूज्यपाद स्वामी ने क्या लिखा, जो समझता है वह स्वयं से समझता है, जो नहीं समझता वो समझाने पर भी नहीं समझता, क्यों विकल्प करता। मैं किससे समझूं और किसको समझाऊं, ये मेरा स्वरूप नहीं। यदा हम निर्विकल्प, मेरा स्वरूप निर्विकल्प है, इन विकल्पों से भी परे निर्विकल्प होता। हम ये कह रहे थे द्रव्यानुसार चरणम, माने स्वभाव को समझो, स्वभाव के अनुसार आचरण करना। अनन्यगत परिणाम का मतलब है अपने आत्मसन्मुख परिणाम, आत्मामय परिणाम, ज्ञानमय परिणाम, और जो ज्ञानमय परिणाम होता है वही आनंदमय परिणाम। जो ज्ञानमय परिणाम नहीं होता वह आनंदमय परिणाम भी नहीं होता। तो इन छंदों में शांतता से जीने का,
इस भव की शांति का, अगले भव की शांति का, ये भव सुधारने का, अगले भव सुधारने का और भव के अभाव का उपाय बताया, ये समझ लें। भव के अभाव का भी उपाय यही है और भव को सुधारने का उपाय भी। यहां शांति से जीने का उपाय भी यही है और आगे शांति से जीने का उपाय भी यही है, शांति से मरने का उपाय भी है। समाधि मरण इसको कहते हैं। समाधि मरण का मतलब समझ गए अभी? कहा था शांतता पूर्वक देह छूट जाना, इसीलिए समाधि मरण चाहे जब नहीं होता चाहे जैसे, जब देह छूटने का समय आ गया, हमने भली प्रकार से जान दिया अब ये देह छूटेगी, तो उस देह के लक्ष्य से संकलेश मत करो, जाने दो उसको, चले जाने प्रेम से। देह के लक्ष्य से संकलेश करते करते देह छूटी तो दुर्गति हो जाएगी, कुमरण कहते हैं। और देह से भिन्न आत्मा के आश्रय से शांत परिणाम पूर्वक देह छूट जाना, उसका नाम समाधि मार। और देह से भिन्न आत्मा के लक्ष्य से शांत परिणाम रहना, उसका नाम समाधि। देह से भिन्न आत्मा के लक्ष्य से आत्मा के आश्रय से शांत परिणाम रहना, उसका नाम समाधि। अब आप इसका खूब विचार करना, ऊहापोह करना, निर्णय करना। जितने भी आपको संकलेश के प्रसंग बनते हैं ध्येय के लक्ष्य, ऐसा सुंदर समाधि मरण पाठ में लिखा, देह जीव को भिन्न दिखे तो मरण समय दुख काई। देह जीव को भिन्न लखे तो मरण समय दुख काई। हे भाई, देह से भिन्न अपने को आत्मा देखे तो कौन दुखी कर सकता है? कैसे दुखी करेगा बोलो? हम तुम्हारा गला क्यों घोंट देंगे? गला हमारा है ही नहीं, गोली मार देंगे, किसको मारोगे? अमूर्ति को गोली लगती नहीं, उड़ा करके पटक देंगे, आग लगा देंगे, आग में आत्मा जलता ही नहीं, बोलो क्या करोगे आप? इस अज्ञानी के पास कोई भी उपाय हो जो आत्मा का कुछ बिगाड़ कर सके तो बता दो। अपने अज्ञान से केवल अपना ही बिगाड़ करता है, अपने ही सुख से वंचित रहता है, स्वयं ही दुख भोगता है, किसी का बिगाड़ सुधार कोई जीव कभी करता ही नहीं, परम सत्य। और नहीं तो बताओ पुराण लिखे हैं, कितने पुराण हैं, इतिहास देखो, वर्तमान देखो, जो देखना है आपको देखो, लेकिन आत्मा को देखे बिना कुछ नहीं दिखेगा, आत्मा को समझे बिना कुछ नहीं समझ में आएगा, जिज्ञासा के बिना, भूख के बिना, विनय के बिना कुछ समझ में नहीं आएगा। जब भूख ही नहीं है, टाइफाइड हो रहा है, तो क्या खाने की ताकत आए? कि तुम्हें जो खाना है उसको खाओ, ताकत नहीं आएगा, रोग बढ़ेगा। पहले ये मल की गांठें निकलें और भूख जग जाए लंगन से, तब तुम जो खाओगे सो ताकत आएगी। लेकिन उससे पहले आपको हम क्या खाएं ताकत आए? दूध पिए खूब के पचेगा ही नहीं, भी कम पचेगा ही नहीं, पाचन खराब है। सम्यक दर्शन पाचक होता है, सिद्धांत विपरीत है, माने पाचन खराब है। जो चिकित्सा विज्ञान में पाचन का महत्व है, वही मोक्ष मार्ग में सिद्धांत का। और आपको मालूम है पाचन अगर खराब है तो आपको कौन सा रोग, कौन सी, क्या काम करेगा? सबसे पहले पाचन सुधारना होगा। पाचन तुम्हारा, कभी लोग में कहते थे तुम कैसे आदमी हो, तुम्हारे पेट में पाचन ही पचती, मतलब झरती कह बैठते हो, झरती जल्दी से जल्दी से। ऐसे ही तुम कैसे आदमी हो, कैसे आत्मा हो, कैसे जीव हो भैया, तुम्हें पछता नहीं है। ये ज्ञान जो पदार्थ संयोग में आता है उसे अपना मान लेते हो, जो ज्ञान में आता है उसे सुनिश्चित मानकर राग द्वेष करते हो,
कि तुम्हें नहीं, तुम्हारा सुधार संभव नहीं। तुम अपने हिसाब से सुनना चाहते हो, अपने हिसाब से अर्थ करना चाहते हो, अपने हिसाब से पूजा भक्ति करना चाहते हो, अपने हिसाब से कोई काम नहीं किया जा सकता। जहां खड़े हो संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, ऐसे यहां मोक्ष मार्ग में भी आपको आगम के हिसाब से चलना पड़ेगा, अनुभव के हिसाब से चलना पड़ेगा, वस्तु स्वभाव के अनुसार। विपरीत चलने से अपने हिसाब से नहीं वस्तु चलेगी। सभी दिखा अपने हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से वस्तु नहीं चलेगी, वस्तु के हिसाब से तुम्हें अपनी मान्यता बदलना। दर्पण में नहीं घिसना है, दाग यहां मिटाना है। दर्पण में नहीं घिसना है, दाग यहां मिटाना है। क्योंकि दर्पण में दाग है ही नहीं, दर्पण में तो दाग प्रतिबिंबित हो रहा है। क्यों प्रतिबिंबित हो रहा है? उसे द्वेष है इसलिए नहीं। दर्पण को कोई द्वेष नहीं है जो तुम्हारे चेहरे पर दाग दिखाई दे दिखा रहा है। तुम्हारे चेहरे पर दाग है, ये उसकी स्वच्छता है जो तुम्हारे चेहरे के दाग को दिखा रहा है। और वह दर्पण केवल चेहरा। हाँ बोलो भाई। दर्पण केवल चेहरा देखने के लिए नहीं है, चेहरा संभालने के लिए। अगर तुम्हारे चेहरे पर दाग है, कोई नहीं, ए शीशा देखो, दर्पण देखो जरा, और जाए देखा, हम तो देखे आए, क्या देखा तुमने? देखने का मतलब है वो दाग मिटाना, सुधारना, धोना, मलिनता धोना, अपना चेहरा संभालना। ऐसे ये देव सास गुरु आगम सत्समागम धर्म पर्व धर्म आयतन केवल वस्तु स्वरूप को जैसा का तैसा समझने के लिए नहीं, उसे हे के त्याग के लिए, उपाधि के ग्रहण के लिए। इसका दूसरा नाम या वास्तविक नाम समाधि तंत्र भी है। समाधि तंत्र, तंत्र जानते होंगे, ये तांत्रिकों के चक्कर में फिरने वालों, कोई तुम्हारा दुख नहीं मिटाएगा, कोई तुम्हें संपदा पुण्य से ज्यादा नहीं देगा, कोई पाप के उदय की प्रतिकूलता नहीं है। भगवान ने एक ही तंत्र बताया। विथापार सूत्र का एक कवि का अनुवाद है, हमें नाम याद नहीं है। ऐसी बढ़िया भक्ति लिखी, हे प्रभु मेरा मंत्र तुम्हारा नाम और मेरा तंत्र तुम्हारा नाम। हम नहीं जानते, हमारे पास तो एक ही उपाय है, मेरा मंत्र तुम्हारा नाम और मेरा तंत्र तुम्हारा नाम। क्यों? जो मैं कहूं औरसों तो न मिटे और यार, मेरी तो दोसों बनी ताते करो पुकार। अरे पुकार तो रहे, सुनो तो भगवान कह क्या रहे भैया। समाधि तंत्र माने समाधि का उपाय। समाधि का अर्थ करने में आप भूल करते हैं थोड़ा सा। समाधि कहते ही एकदम मृत्यु दिख जाती है और मृत्यु में रमो रंताराम, बस समाधि वाली कपड़े छोड़ दिए, रोटी छोड़ दी, पानी छोड़ दिया, बस समाधि वाली। अरे भैया देह से भिन्न आत्मा की ओर उपयोग लगा और परिणाम में संकलेशता उत्पन्न नहीं हुई, परिणाम में निर्मलता आ गई, इसका नाम समाधि है। तो साहब ये सब बेकार है। अरे बेकार फिर तुम उल्टी बात कर रहे, मनमाना खाते पीते रहो, मनमाना पहनते उड़ते रहो और बाल बच्चों में घिरे रहो, ये बेकार नहीं कहोगे? ये तो मोक्ष मार्ग का व्यवहार भी नहीं है भैया, ये तो समाधि का व्यवहार भी नहीं है। अत्यंत ही हम, ये सब प्रवचन सारी का विषय है। अत्यंत ही हो, अत्यंत ही का हेतु क्या दिया? जिसका चारित्र के साथ संपर्क ही नहीं है, ऐसा अशुभ उपयोग क्या दिया? बड़ी सूक्ष्मता से पढ़ो भाई, आत्महित की दृष्टि से पढ़ो। हमारे यहां तो जैसे आहार दान की विधि है ना, अपने लिए आहार बनाया उसी में से पात्रों को दिया, ऐसे ही अपने लिए स्वाध्याय करो औरों को। बात सीधी बात,
स्वाध्याय करते समय इनको कैसे समझा ये मत रखो, बिल्कुल नहीं। तैयारी करके विषय मत बोलो, तैयार रह करके विषय बोलो। इसका अंश अपने में न मिल जाए, अपना अंश इसमें में मिल जाए। ज्ञातत्व को छोड़ करके वक्तृत्व न आया, श्रोतत्व न आया। यही देखते रहो, ज्ञाता ज्ञाता ज्ञाता, हम भी ज्ञाता और तुम भी ज्ञाता। सुखी होना हो तो अपने को ज्ञाता देखो, करता देखते देखते बहुत दुखी। सुखी होना हो तो ज्ञाता। जिस प्रकार मेरी आत्मा अपने को ज्ञाता देखती है, सामने को अंगीकार कर रही है, उसी प्रकार जिन्हें दुख से छूटना हो अपने को ज्ञाता देखती है। ये उपाय है, ये करुणा है। सोने के पत्र पर रत्नों के अक्षरों से भी लिख करके इसका मूल्यांकन नहीं हो सकता, क्योंकि सोना पुद्गल है, जड़ है, वैभव का प्रदर्शन है। रत्न क्या है? जड़ है, वैभव। तो फिर कैसे मूल्यांकन होगा? इन कुंद कुंद स्वामी के सूत्रों का, पूज्यपाद स्वामी के श्लोकों का क्या करना? अभिप्राय समझ करके अपने चैतन्य की अनुभूति करना, आनंद का वेदन करना, बस यही मूल्यांकन है। यही मूल्यांकन है, दूसरा कोई मूल्यांकन नहीं। समाधि तंत्र, अर्थ समझ में आ गया? वर्तमान में सुखी रहने का, आनंद से जीने का उपाय, आनंद से मरने का उपाय, पर भव में भी सुखी होने का उपाय, और भव के अभाव का एक ही उपाय है, देह से भिन्न आत्मा का। ओम नमः।